नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 23 सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सूर्योदय होगा 6:13 पर, सूर्यास्त होगा 6:11 पर, चंद्र राशि है वृश्चिक, देर शाम तक नक्षत्र है ज्येष्ठ, वार बुधवार, योग आयुष्मान, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं, अमृत काल है आपका 9:57 AM से 11:29 AM तक, और राहु काल है 12:13 PM से लेकर 1:44 PM तक। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। राहु काल में सावधानी, शुभ समय में शुभ काम, और ये वक्त आपके शहर के अनुसार 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है आज, तो शुभकामनाएं। बात करते हैं आज के विशेष की, और आज के विशेष में मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र है महालक्ष्मी का, शाबर मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कल मैंने गणेश जी का मंत्र बताया था, शावर मंत्र, आज मैं महालक्ष्मी का मंत्र बता रहा हूँ ताकि आपके जीवन में खुशियाँ और संपन्नता भरी रहे। तो ध्यान से सुनिएगा भी और स्क्रीन पर देखिएगा भी ताकि आपको उससे कोई गलती ना हो। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आवचे तो करो भलाई, ना करो तो सात समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 मार्च 84 सिद्धों की दुहाई। ये मंत्र था माँ लक्ष्मी का, शाबर मंत्र था, और इस मंत्र को पढ़ने मात्र से, प्रतिदिन शुद्धता से पढ़ने मात्र से अनेक काम बन जाते हैं। जब भी आप सुबह की पूजा करते हैं तो आप एक काम क्या करिए, अपनी जब दुकान खोलते हैं या फैक्ट्री खोलते हैं तो 108 बार इस मंत्र को पढ़ कर जाएं तो अत्यधिक लाभ होगा। घाटा वाटा ये सब भूल जाएंगे, लाभ ही लाभ होगा। ध्यान से इस मंत्र को 2 बार सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और जपने की कोशिश करिएगा ताकि आपका भला हो सके। और एक बात और बता दूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाजवंत रत्न जो छोटे वाले पीस थे जो 2100 के थे वो अवेलेबल हैं। L21 लिखकर आप वो ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने घर अपने एड्रेस पर, पूर्ण संपूर्ण विधि विधान के साथ। इसके साथ साथ ब्रेसलेट भी अवेलेबल है, इसके लिए LA लिखना है, और 7 मुखी रुद्राक्ष भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 7M लिखना है। जल्दी करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत फिर तो सब बेकार है। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग पहनते हैं तो आपके जीवन में अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं। इसका प्रमाण आप में से ही कई लोगों ने मुझे दिया है, और मुझको तो पता ही है कि इनमें बहुत ताकत है और बहुत सच्चाई है, क्योंकि हमने आपको ओरिजिनल चीज़ दी है, अच्छी चीज़ दी है, और ओरिजिनल और अच्छी चीज़ सही व्यक्ति को मिल जाए तो उसका भला हो जाता है। बात करते हैं राशिफल की, बात करते हैं आपकी राशि तुला की। आज का दिन आपके लिए संघर्ष भरा है, लेकिन ऐसा संघर्ष जो सफलता देकर जाएगा। आज संघर्ष होगा, सफलता होगी तो शरीर में थकान भी होगी, छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा। आज आप अपने फैसले अच्छी तरीके से ले पाएंगे, लेकिन जो भी फैसले लेंगे उन फैसलों को सही साबित करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको उन फैसलों पर सफलता मिलेगी। आज धैर्य बनाकर ही काम करें, जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, आपकी संतान भी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी, संतान का सपोर्ट होगा, आप अपने काम वक्त से पूरा करेंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को धैर्य को बनाकर रखना होगा। आज आपको आपके बच्चे कुछ पुरस्कार दे सकते हैं, वो कुछ जीत सकते हैं, उनको कुछ खेल कूद पढ़ाई लिखाई में या किसी परीक्षा या कंपटीशन में अच्छी सफलता मिल सकती है। आज आपको भाग्य का साथ रुक रुक कर मिलेगा, लेकिन निरंतर मिलता रहेगा। आपके प्रयासों में सफलता होनी चाहिए। आप अपने काम को खुद करें, दूसरों पर भरोसा ना रखें या किसी के सहारे पर ना बैठे रहें कि वो कर देगा या ये कर देगी। आप अपने आप सारे काम करें, आपके बॉस जो हैं आपसे खुश होंगे, पैसा आएगा, आपको नई पदवी नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। जब तक नतीजा ना आ जाए किसी भी चीज़ का तब तक धैर्य बना के रखें, जल्दबाजी ना दिखाएं, उतावलापन ना दिखाएं, रिश्तों में काम में व्यापार में घर में
हर जगह पर। तो ये था आपका आज का राशिफल। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और लाजवर्त रत्न या सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। जीवन के अनेक कष्ट आगे के लिए समाप्त हो जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।